नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी विजय कुमार शुक्ला। आज मैं फिर से नायर द्वारा कंडक्ट किया गया मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए जो एएमई और एडब्ल्यूएम का ये 70% ईएलजीएस पेपर है उसका सलूशन लेकर के आया हूं, और उम्मीद करता हूं कि यह आगामी जो एलडीसी का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आप सभी लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। इसके पहले भी मैंने अभी ईएलजीएस का एक पेपर सलूशन दिया हूँ जिसका फीडबैक आप लोगों का बहुत ही अच्छा आ रहा है। सबसे अच्छी फीडबैक जो मिल रही है उसमें यह है कि एथेंटिसिटी, अर्थात मैंने कोशिश किया है कि इसमें जीरो इरर देने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि जो आपका एलडीसी का एग्ज़ाम है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन, जहाँ पर आपके एक एक प्रश्न के लिए बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है और एक एक मार्क्स मिलना बहुत ही सिलेक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं कि जीरो इरर देने के लिए। आप सभी से अनुरोध है कि जब भी आप इस वीडियो को देखने लगिए तब आपके हाथ में पेन और पेपर जरूर होना चाहिए, जिससे जो आपके सरल प्रश्न हैं जो आपको आता है तो उसको छोड़ करके जहां पर भी आपको डाउट है उसके प्रश्न और उसके उत्तर जो एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं उनको आप नोट करते जाइए। तो चलिए आगे, मैं फिर से आश्वस्त करता हूँ कि आप जब ये पूरा प्रश्न सॉल्व कर दूंगा तो उसमें आप खुद को पाएंगे कि आपका जितना 110 प्रश्न दिया गया है उससे कम से कम 25 से 30% एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तैयार हो गए हैं, क्योंकि मैं बार बार बताता हूँ कि जिन प्रश्नों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ वो आपके एडिशनल हो जाते हैं तैयारी। तो चलिए समय न गंवाते हुए मैं आपको आगे की तरफ लेकर के चलता हूँ। यहाँ पर फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम बाई नायर, नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे, आप याद रखिए, कई बार इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, फॉर 70% ईएलजीएस लिमिटेड ग्रुप सर्विसेज एएमईएम के लिए, एडब्ल्यूएम के लिए। 70% दो तरह से वैकेंसी आती है, एक एलडीसी का आता है 30% जो आगामी अभी जून में ड्यू है, और ये 70% ईएलजीएस एएमई का एग्जाम जो कि अभी 17 मार्च 2024 को कंडक्ट हुआ है। टोटल 110 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहेगा। क्वालिफाइंग मार्क्स 60 है, ड्यूरेशन 2 आवर्स का रहेगा। पार्ट ए में प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा रहेगा। टोटल 80 क्वेश्चन रहेगा जिसमें से आपका 70 क्वेश्चन करना रहेगा। दूसरा पार्ट बी रहेगा, इस्टेब्लिशमेंट एंड फाइनेंशियल रूल रहेगा, उसमें 30 रहेगा, आउट ऑफ 30 टोटल करना है, यानी इस तरह से आपके 100 क्वेश्चन होंगे। आपको भूलना नहीं है बिल्कुल कि करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क्स मिलता है और इनकरेक्ट के लिए 1/3 डिडक्ट हो जाता है। इसलिए सभी क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़िए जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पार्ट ए में जिसमें मैंने बताया कि 80 क्वेश्चंस में से 70 करना रहेगा, लेकिन मैं 80 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। उसका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सीडेंट्स आर कैटेगराइज्ड एज नॉन कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट। तो मैं आपको यहाँ पर कन्फर्म करना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप जानिए कॉन्सिक्वेंशियल क्या होता है। कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट जो होता है इसमें लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ होता है, इंजरी हो जाता है, और लॉस ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी रहता है, या आपका इंटरप्शन इन ट्रैफिक सर्विस होता है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, एक तो कोलिजन आता है जिसमें A1 से लेकर के A4 तक रहता है, कॉन्सिक्वेंशियल की मैं बात कर रहा हूँ। फिर फायर का आता है B1 से लेकर के B4 तक। फिर जो है आपका आता है लेवल क्रॉसिंग का C1 से C4 तक, और फिर आता है डिरेलमेंट D1 से लेकर के D4 तक, तो और मिसलेनियस रहता है E1। अब इससे आपको कन्फर्म हो गया कि जो कॉन्सिक्वेंशियल अगर पूछ लिया तो आपके ये 5 रहेंगे। अब उसके बाद जो है नॉन कॉन्सिक्वेंशियल, तो नॉन कॉन्सिक्वेंशियल में इसने पूछा है कि कौन सा एक्सीडेंट, तो फायर इन ट्रेन अंडर B1 से B4 मैंने बता दिया, ये तो कॉन्सिक्वेंशियल में है, तो अर्थात फायर इन ट्रेन अंडर B5 to B6 जो होता है ये आपका नॉन कॉन्सिक्वेंशियल है। तो आपका राइट आंसर हुआ 2 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, हु इज़ द यक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA का, बाय डिफॉल्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, तो इसको आप जान लीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज टारगेट टाइम ऑफ टर्निंग आउट द ART ड्यूरिंग नाइट। ART जो ऑक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन रहता है, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, ये एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन डे में और नाइट में निकलता है, तो डे के लिए ये है 30 मिनट टाइम दिया गया है डे के लिए, और नाइट के लिए है 45 मिनट। तो आपका ये 2 क्वेश्चन तैयार हो गया।
व्हाट इज इंटीग्रेटेड रेल मदद हेल्पलाइन नंबर ऑफ द इंडियन रेलवे? इंडियन रेलवे का इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन नंबर है 139, जो कि हम सब लोग वेल नोन है और सभी लोग इसका प्रयोग करते हैं। पांचवा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, क्या है सही क्या है? रेल मदद इज ए मोबाइल ऐप टू रजिस्टर कंप्लेंट बाई द पैसेंजर्स थ्रू, यस मोबाइल फोन या वेब के थ्रू है। रेल मदद इज ए लिंक्ड विथ रेलवे एग्जिस्टिंग टिकटिंग सिस्टम ऑफ द PRS। रेल मदद इज ए सिंगल पोर्टल फॉर ग्रीवियंसेज इंक्वायरी एंड असिस्टेंस फॉर ऑल और ऑल ऑफ द गिवन आंसर। तो ये जान लीजिए कि रेल मदद तो इनमें से सभी के लिए है, मोबाइल में भी रहता है, ये पैसेंजर के एग्जिस्टिंग PRS से भी कनेक्टेड रहता है, ग्रीवियंसेज इंक्वायरी के लिए रहता है, तो इसका ऑप्शन हो गया 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ SLI इन 140 टन क्रेन? 40 टन क्रेन के लिए मैं बताया हूँ कि ART, पिछले भी बार मैंने डिस्कस किया कि ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास, लेकिन जो ए क्लास का रहता है इसमें 140 टन की ज़रूरत रहती है क्रेन विथ मैचिंग ट्रक। तो इसमें पूछ रहा है कि ट्रेन में SLI जो रहता है ये सेफ लोड इंडिकेटर होता है, तो इसमें देखिए कि कौन सा है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 1 सेफ लोड इंडिकेटर जो है ये इसका फुल फॉर्म है SLI का। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन वर्किंग टाइम टेबल? वर्किंग टाइम टेबल में क्या नहीं मेंशन किया गया है? ये कल के भी पिछले भी क्वेश्चन पेपर में था LGS का, तो आप सभी लोग ये नोट रखिए कि ये जो टेक्निकल क्वेश्चंस है ये सब घूम फिर करके सेम ही क्वेश्चंस आने वाले हैं, थोड़ा सा उनको चेंज किया जाएगा किसी न किसी में, तो उसी तरह से रहेगा कि जैसे अभी इसमें पूछ लिया, पहले वाले में पूछा था वर्किंग टाइम टेबल क्या है, कहाँ दिया जाता है, डिवीजन के लिए होता है, अब की बार पूछ लिया है इसमें क्या नहीं रहता है, तो इंजीनियरिंग टाइम अलाउंस, ट्रैफिक रिकवरी टाइम, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड, जो कि मैंने बताया था कि ये सब तीन के तीनों रहते हैं, तो चौथा बचता है टाइम टेबल ऑफ द गुड्स ट्रेन, ये नहीं रहता है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए क्लास एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन के लिए क्या है? अभी पहले ही क्वेश्चन में मैंने बताया कि इसेंशियल कंपोनेंट्स 140 टन क्रेन रहता है और फ्रंट लो इंड लोडर रहता है, हाइड्रोलिक रेस्क्यू डिवाइस रहता है, नन ऑफ द गिवन ये ऑप्शंस में, तो यहाँ आपको ये जानना है कि 140 टन ए क्लास वाले में 140 टन क्रेन इसेंशियल रहता है, बाकी तो ये सब में रहता है, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। व्हाट इज हूटर कोड व्हेन ओनली ARTs इज ऑर्डर? अब यहाँ आप जान लीजिए कि अगर ये कह रहा है कि वन लॉन्ग टू शार्ट वन शार्ट, तो सबसे पहले तो मैं आपको हूटर ही बता देता हूँ कि हूटर कोड क्या है। ये देखिए, एक रहता है होम स्टेशन के लिए और दूसरा रहता है आउट स्टेशन के लिए, तो इसको OS पकड़ लीजिए। होम स्टेशन के लिए यहाँ 2x4 करिए और यहाँ 3x5 कर लीजिए, ये आपको याद करने के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जब भी ARTs की बात आएगी, अगर दो हूटर बजा, ये दो हूटर क्या रहेगा, 45 सेकंड्स के लिए ईच हूटर बजेगा 5 सेकंड के गैप में, तो समझ लीजिए कि ARTs होम स्टेशन पर रिक्वायरमेंट है। अगर चार हूटर बज रहा है तो यानी ARTs प्लस ARME जो है ये दोनों की ज़रूरत है, और कहाँ पर, होम स्टेशन पर, ARTs और ARME जो है ये होम स्टेशन पर ज़रूरत है। और आउट स्टेशन के लिए अगर तीन हूटर बजा, वही 45 सेकंड के लिए ईच हूटर प्लस 5 सेकंड का गैप पे, तो ARTs आउट स्टेशन पर ज़रूरत है। और अगर पाँच बजा तो यानी ARTs और प्लस ARME ये दोनों आउट स्टेशन पर ज़रूरत है, ARME। तो ये आप जान लीजिए कि ये आपको याद करने के लिए बहुत सिंपल सा हो जाएगा, सरल तरीका। अब यहाँ पर ओनली ARTs इज ऑर्डर, तो ARTs इज ऑर्डर में क्या हो जाएगा यहाँ पर, कि देखिए आपका इससे देख करके आपको पता चल जाएगा कि जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया ये कुछ भी नहीं है, तो नन ऑफ द एबव। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अगर ARTs और ARME दोनों कैंसिल करना है तो केवल सिंगल हूटर बजता है 90 सेकेंड के लिए। तो ये मुझे लगता है कि आपका जो ARTs ARME के लिए हूटर कोड है ये आपका तैयार हो गया होगा, 4-5 क्वेश्चंस, तो इसमें से कुछ भी पूछेगा आप ARTs ARME से रिगार्डिंग, तो
तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और ये भी बता दूं कि जो प्रश्न पूछा गया है, मैंने देखा है कि पिछले कुछ लोगों ने वीडियोस डाला है जिसमें वो सब गलत डाला है हूटर कोड, तो आप सब लोग बहुत ही कन्फर्म होकर कि बहुत ही ऑथेंटिक डाला हूँ हूटर कोड, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज परमिसेबल गेज टॉलरेंस ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक। स्ट्रेट ट्रैक जब भी होता है तो आप समझ लीजिए कि उसका 1676 और प्लस 6 माइनस 6 ये आपका स्टैंडर्ड है एमईएम गेज का, ट्रैक गेज। तो अब इसमें प्लस 6 माइनस 6 जो है ये आपका आंसर सही है। फिर मैं वही बताऊंगा आपको, दिस इज ऑथेंटिक। बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाया है, वो क्या किए हैं, जो भी गलत आंसर मिला है या कहीं पर लिखा हुआ या नायर ने जो पहले स्टेज पर रिलीज कर दिया उसी को उन्होंने मान करके बस केवल वीडियो बना दिया है। तो कई लोगों का फीडबैक आता है कि सर आपका वीडियोस काफ़ी ऑथेंटिक रहते हैं, बाकी लोग तो कुछ भी आंसर डाल देते हैं और कंट्रोवर्सियल हो जाता है। तो बी वेरी क्लियर, बी वेरी श्योर मैं कह रहा हूँ कि ये 0% एरर के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। विच आर द फॉलोइंग आर ट्रू इन केस ऑफ सडन डिरेलमेंट। सडन डिरेलमेंट क्या होता है, जो अचानक डिरेलमेंट हो जाए। तो देखिए, अगर अचानक नहीं होगा तो अगर ट्रैक है ये, तो कोई भी व्हील जो यहाँ से चलता रहता है, इसके साइड से मैं दिखा रहा हूँ, मान लीजिए फ्लेंज है, तो अगर इस साइड गिरेगा तो पहले उस चढ़ेगा इस ट्रैक पर, तो उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ माउंट, और फिर एक जगह चढ़ करके ड्रॉप हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ ड्रॉप। ये दोनों चीज़ मिलेगा नॉर्मल आपके डिरेलमेंट में, बट यहाँ पूछ रहा है सडन डिरेलमेंट। सडन डिरेलमेंट मतलब अचानक ड्रॉप हो जाए, तो अचानक ड्रॉप हो जाए यानी पॉइंट ऑफ माउंट नहीं मिलेगा। तो पॉइंट ऑफ माउंट नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ ड्रॉप मिलेगा। तो अब देखिए, इंस्टेंट डिसमाउंटिंग ऑफ व्हील फ्रॉम रेल, इसी को हम कहते हैं सडन डिरेलमेंट। अचानक पहिए का तत्काल उतर जाना, ये हो जाता है आपका आंसर, यही है नंबर वन। चूंकि ग्रेजुअल क्लाइंबिंग ऑफ ट्रेन तो होता ही नहीं, इसमें पॉइंट ऑफ माउंट नहीं मिलता है सडन डिरेलमेंट में, तो आपके लिए पॉइंट ऑफ ड्रॉप ही मिलता है। और ये क्यों आता है, स्लैक गेज और जो है जो इसके लिए गेज का रहता है वो, मतलब गेज की लंबाई का बढ़ जाना, ये ट्रैक गेज ज़्यादा हो जाना। आगे देखिए, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम यूज इन LHB कोच। LHB कोच में कौन सा ब्रेकिंग सिस्टम यूज होता है, तो आपको मैं क्लियर कर दूं कि देखिए इसमें ट्विन पाइप तो सब में है, तो यहाँ भी है ट्विन पाइप, तो LHB ट्विन पाइप है, BP और FP रहता है, विथ डिस्क ब्रेक, तो आपका आंसर 3 है। बट आप और जान लीजिए कि जो ICF में लगता है वो क्लैश टाइप ब्रेकिंग सिस्टम कहलाता है, और LHB में लगता है वो डिस्क ब्रेक सिस्टम कहता है, एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम, और जो आपका वंदे भारत आया है ये व्हील माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम। तो आपसे तीनों में से इस तरह से प्रश्न किया जा सकता है, तो आपके लिए ये प्रश्न तैयार हो गया। फिर अगला प्रश्न आया है, ब्रेक एक्सीलरेटर इन LHB कोचेज इज ए। ब्रेक एक्सीलरेटर मतलब नाम से ही पता चल रहा है, एक्सीलरेट करना, किसी चीज़ को तीव्र कर देना, जल्दी करना। तो क्या करता है, ब्रेक एक्चुएटिंग डिवाइस है। ये पूछ रहा है कि ब्रेक एक्सीलरेटर होता क्या है, तो ब्रेक एक्सीलरेटर मैं बता दूं आपके LHB के सभी कोचेज में लगा होता है, इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद द PP पाइपलाइन, और इसका ये एक्सीलरेटर दो कंडीशन में ही एक्टिवेट होता है, नंबर वन एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी ब्रेक अप्लीकेशन बाई लोको पायलट, एंड नंबर टू इन केस ऑफ ACP। ACP होता है तो PEB में 19 mm का होल होता है, जिसके कारण भी ब्रेक एक्सीलरेटर एक्टिवेट हो जाता है। तो ये दो कंडीशन में ब्रेक एक्सीलरेटर एक्टिवेट होता है, नंबर दो जान लिया आपने कि BP पाइपलाइन से कनेक्टेड होता है, नंबर तीन LHB के सभी कोचेज में लगा रहता है। अब ये पूछ रहा है कि क्या है ये, तो ये ब्रेक एक्चुएटिंग डिवाइस या इमरजेंसी ब्रेक अप्लीकेशन डिवाइस, एक्सेसिव ब्रेक डिवाइस, नन ऑफ द गिवन, तो ये तो है नहीं और ये भी नहीं है। इमरजेंसी ब्रेक अप्लीकेशन डिवाइस इट इज़ नॉट ए डिवाइस, ये एक लगा हुआ जो कंपोनेंट्स है, इट्स हेल्प्स टू एक्सीलरेट द ब्रेक अप्लीकेशन। तो एग्जैक्ट आंसर ही इसका है ब्रेक एक्चुएटिंग डिवाइस, यह ब्रेक लगाने में हेल्प करता है, इट सेल्फ इज नॉट ए डिवाइस, यह अपने आप में नहीं है कि हम इसको वाल्व को खोल करके जो है हम ब्रेक इमरजेंसी ब्रेक लगाएंगे, बट फिर वही कई लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया है, तो दैट इज नॉट ऑथेंटिक। ऑथेंटिक आंसर है ब्रेक एक्चुएटिंग डिवाइस है।
अगला प्रश्न है, देखिए, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डंप वाल्व इन एलएचबी कोचेस। एलएचबी कोच में देखिए, दिस इज द पार्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ डब्ल्यूएसपी, जो व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन लगा रहता है डिवाइस, उसमें एक कंपोनेंट है डंप वाल्व, जो एक कोच में चार लगा रहता है डंप वाल्व। अब ये क्या करता है कि टू मेंटेन अप्रॉक्सीमेट सेम स्पीड ऑफ एक्सल। डब्ल्यूएसपी का काम क्या है, व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन, यानी स्लिपिंग एंड स्किडिंग को बचाना। बचाने के लिए क्या करता है कि कोशिश करता है कि सभी एक्सल का स्पीड सेम हो। तो यस सही है, टू प्रोटेक्ट व्हील अगेंस्ट स्किडिंग, मैंने बताया यस, स्लिपिंग एंड स्किडिंग को भी बचाता है, और ब्रेकिंग एंड डी ब्रेकिंग, यस बिल्कुल ये करता है, क्योंकि जिस समय अगर कोई व्हील कम चल रहा है, कम स्पीड में चल रहा है, तो उसको वो रिलीज करता है बीसी का प्रेशर, जिससे उसमें रोलिंग बढ़ जाता है। तो ये भी करता है, तो इसमें इसका आंसर है ऑल ऑफ द गिवन, तो सभी आंसर इसमें से सही है, इसका ऑल क्वेश्चंस। ठीक, तो आपने जान लिया कि डब्ल्यूएसपी का कंपोनेंट होता है जो चार लगा रहता है डंप वाल्व एक कोच में। इन ICF रेक ड्यूरिंग फुल सर्विस ब्रेक एप्लीकेशन, ब्रेक पाइप प्रेशर इज ड्राफ्ट बाई व्हाट अमाउंट। देखिए, फुल सर्विस ब्रेक एप्लीकेशन करने के लिए हमको 1.5 kg का ड्राफ्ट करना होता है, यानी 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का हमें ये ड्राफ्ट करना होता है, तो इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर इन ICF कोचेस। अब देखिए, ICF कोच में ब्रेक सिलेंडर का डायमीटर क्या है, तो कई बार इसको जब हम पूछते हैं तो ये पूछ कि इंच में कितना होता है, तो अगर इंच में हम बताते हैं तो इसे हम बताते हैं कि 8 इंच में रहता है ICF का, जो BM BC है। ठीक, और अगर LHB का पूछा जाता है तो LHB का क्या रहता है, 10 इंच रहता है। ठीक, तो 10 इंच मतलब ये रहता है 254 cm, और ये होता है 203 mm। तो आपके लिए यहाँ पर ICF बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर का पूछा है, यानी BM BC का पूछा है, तो 203 इज राइट आंसर। हाउ मेनी कोचेज आप वंदे भारत ट्रेन्स आर मोटरिंग कोचेज, वेरी गुड क्वेश्चंस। आप सभी लोगों को फिर से मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि मेरा वंदे भारत पर बनाया गया MCQ Part 1 और Part 2 दोनों मेरे YouTube चैनल पर है। आप सभी लोग से विशेष अनुरोध है कि इस वंदे भारत के MCQ को जरूर देख लीजिए, क्योंकि आज की डेट में फ्यूचर जो है वंदे भारत ट्रेन है, इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चन, अभी तो इस एग्जाम में भी देख रहा हूँ कि 4 से 5 क्वेश्चन आ रहा है, आगामी परीक्षाओं में इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहेगा वंदे भारत का या ट्रेन सेट का। तो इस दोनों जो दिया गया है Part 1 Part 2 आप जरूर देख लीजिए, उसमें सारे फंडामेंटल्स आपके क्लियर कर दिए गए हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से आ रहा है। यहाँ पर देखिए फिर पूछ रहा है कि वंदे भारत ट्रेन्स में मोटरिंग कितने कोच में है, तो कितने कोच में है, तो मैंने पहले भी बताया है कि 50% मोटरिंग है, तो 50% है तो इसका मतलब हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ कोचेस, तो पहला ही ऑप्शन सही है, तो बाकी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, 2 कोच पर ट्रेन है कुछ नहीं ज़रूरत है, 50% मोटरिंग है, तो एकदम क्लियर है प्रश्न। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्या करेक्ट है। यल टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक्स इज यूज्ड इन ICF कोचेज विथ बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर BM BC के साथ। मैं बता दूं, BM BC बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर में के टाइप का ब्रेक ब्लॉक लगता है, आपका ये डिटेल एक्सप्लेनेशन हो जा रहा है। फिर यल टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक इज यूज्ड इन वैगन विथ BM BS, इसको हम जो लगाते हैं गुड्स में उसको हम दरअसल BM BS कहते हैं। बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम इसमें भी के टाइप का आता है। फिर के टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक्स इज यूज्ड इन LHB कोच, तो इसमें बता दूं LHB कोच में ब्रेक पैड लगता है, क्या लगता है, ब्रेक पैड, तो ब्रेक पैड मैंने कर दिया, जिसका न्यू साइज होता है 35 mm और कंडमिंग साइज होता है 7 mm। तो ये कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है, तो इसलिए ये आपका तैयार हो गया, तो इसमें से नन ऑफ द गिवन आंसर, तो ये आंसर ये हो गया, चूंकि यहाँ यल टाइप दिया है, यहाँ दिया है, अगर ये वैगन केवल लिखता BM BS नहीं तो यल टाइप हो जाता है, कि वैगन में यल टाइप का लगता है। अगला प्रश्न देखिए, इन ICF कोचेज ड्यूरिंग ब्रेक रिलीज एयर फ्रॉम ब्रेक सिलेंडर गोज टू,
तो देखिए, जब हमारा ब्रेक सिलेंडर रिलीज होता है तो एयर एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ये तो क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, ए आर थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर, तो ए आर से तो नहीं आता है, ब्रेक सिलेंडर से जाता है। कंट्रोल रिजर्वायर थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, एटमॉस्फेयर थ्रू ब्रेक सिलेंडर नहीं, ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर निकलता है एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में जाता है थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व, तो दिस इज राइट आंसर। आंसर जो है आपका हुआ एटमॉस्फेयर में जाता है थ्रू डीवी, डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के थ्रू जो है आपका ड्यूरिंग रिलीज करने पर जाता है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, राइडिंग इंडेक्स ऑफ नॉन एसी आईसीएफ कोच इज मोर देन नॉन एसी ऑफ द एलएचबी कोच, तो यही है राइडिंग इंडेक्स आरआई जो मैं बताया हूँ, दिस इज द यूनिटलेस कांस्टेंट चीज़ें होता है। तो आईसीएफ का मैंने बताया है 3.5 राइडिंग इंडेक्स और एलएचबी का बताया है 2.5। तो अब यहाँ क्लियर हो रहा है कि नॉन एसी आईसीएफ कोच का मोर यानी ज़्यादा है, तो ये तो सही है, ठीक है। दूसरा पढ़ लेते हैं, राइडिंग इंडेक्स ऑफ एसी आईसीएफ एंड एसी एलएचबी कोच इज सेम, तो सेम तो है नहीं। राइडिंग इंडेक्स ऑफ एसी आईसीएफ कोच इज लेस देन, तो नहीं, तो ये आपका ये ऑप्शन सही है, करेक्ट है, इसमें करेक्ट ही पूछा है, विच इज करेक्ट है, तो करेक्ट है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ द एलएचबी एसी सेकेंड क्लास स्लीपर, यानी टू टायर की बात कर रहा है, तो पहले तो एसी सी डब्ल्यू हो जाएगा, और एलएचबी का है तो पहले प्रीफिक्स हो जाएगा यल, और फिर कह रहा है सेल्फ जनरेशन तो जी हो जाएगा, तो यानी जिसमें देख लीजिए कि ए सी सी डब्ल्यू भी है, जी भी है और यल हो गया, तो ये आपका सही हो गया ट्रांसपोर्टेशन कोड। फिर अगला प्रश्न पूछ रहा है, पी ई ए एस डी स्टैंड्स फॉर, यानी पी ई ए एस डी जो ए सी पी करने के बाद पी ई ए एस डी का हो रहता है, घूम जाता है वाल्व और फिर पी ई ए वी से निकलता है एयर, तो उसमें पी ई एस डी का मतलब पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस, तो देखिए किसका है, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस, दिस इज द राइट फुल फॉर्म। और एक पूछ सकता है पी ई ए वी, पी ई ए वी, पी ई ए वी जो पूछेगा तो उसका हो गया पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व आप लोग लिख सकते हैं। आगे देखिए, ड्यूरिंग पी ओ एच एयर प्रेशर टेस्ट ऑफ ऑक्सिलरी रिजर्वायर ऑफ वैगन इज डन एट व्हाट प्रेशर, यानी पी ओ एच में जो है एआर का जो टैंक रहता है 100 लीटर का वैगन में, उसको किस प्रेशर पर टेस्ट किया जाता है, तो वो जनरली जो होता है हमें हमें पता है कि वो 10 के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर पर टेस्ट किया जाता है। आगे देखिए, द रेट ऑफ एयर लीकेज इन सिंगल वैगन टेस्टिंग, यानी सिंगल कार टेस्टिंग जो करते हैं या सिंगल वैगन टेस्टिंग करते हैं, तो इसमें शुड नॉट बी मोर देन, तो एयर लीकेज नॉर्मली हम कहते हैं ना, जब बीपी और एफपी का लीकेज टेस्ट करते हैं तो वो 0.2 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट परमिटेड है, बट यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा है कि रेट ऑफ एयर टिकेट एयर लीकेज ड्यूरिंग सिंगल कार टेस्टिंग, जब सिंगल वैगन का करते हैं तो उस समय एच पर मैनुअल, लेटेस्ट जो मैनुअल आया है उसमें है 0.1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड, कुछ लोगों ने गलत आंसर दिया है 0.2 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज रॉन्ग आंसर। आपको क्लियर होगी वैगन में सिंगल कार टेस्टिंग के लिए 0.1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर इन फ्रेट स्टॉक विथ लोड सेंसिंग डिवाइस इन एम्प्टी कंडीशन, हमें जानते हैं कि एलएसटी का प्रयोग किया जाता है जो एम्प्टी एंड लोडेड कंडीशन में, जो आपका बीएलसी वैगन्स है, तो एलएसटी का क्या मतलब है कि जब आपका ये एम्प्टी रहे वैगन तो उसमें रहता है 2.2 और प्लस माइनस 0.25, ये आपका एम्प्टी कंडीशन में होता है, और लोडेड कंडीशन में होता है यल कंडीशन कर दूँ, आपका दोनों प्रश्न तैयार हो गया, 3.8 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस माइनस जो है आपका 0.1, तो ये आपका लोडेड में हो गया। तो यहाँ पर पूछ रहा है एम्प्टी कंडीशन पे, तो ये देखिए 2.2 0.25, अब देखिए यहाँ कन्फ्यूज करने के लिए रखा भी है कि 2.2 प्लस माइनस 0.1, तो ये रही है आपका, ये राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, इन प्रीमियम रेक द ट्रेन वर्जिनेटिक फ्रॉम प्राइमरी डिपो शुड हैव ए ब्रेक पावर सिलेंडर ऑपरेटिंग परसेंटेज, जो बीपीसी की बात कर रहा है, बीपीसी मैं एकदम आपको क्लियर कर दूं सबके लिए, इंटेंसिव जो एग्जामिनेशन होता है इंड टू इंड, अगर मैं इसको कहूं इंड टू इंड,
तो उसके लिए है 90%। ठीक, और प्रीमियम के लिए जो है बीपीसी, यानी प्रीमियम के लिए है 95%। अब इससे आपके कई प्रश्न तैयार हो जा रहे हैं। और सीसी रेट जो होता है उसके लिए है 100% एट द ओरिजिनेटिंग स्टेशन, यहाँ इसको 100%। ठीक है, तो आपका ये तीनों प्रश्न तैयार हुआ था। अब इसमें क्या पूछ रहा है, प्राइमरी डिपो से ब्रेक पावर परसेंटेज, प्रीमियम रेट पूछ रहा है, तो प्रीमियम रेट 95% कर दीजिए, आंसर 95% हो गया। आगे देखते हैं प्रश्न। ब्रेक पाइप प्रेशर इन ब्रेक वैन ऑफ द फ्रेट ट्रेन इन द लेंथ बियॉन्ड 56, इन 56 वैगन से अगर अधिक हो जाता है तो बीपी प्रेशर में अगर 5 kg है तो लास्ट में ब्रेक वैन यानी गार्ड वाले में पूछ रहा है कितना होगा। तो नॉर्मली हमारा 4.8 और 5.8 रहता है प्रेशर बीपी और यप्पी का गार्ड वैन में, बट यहाँ जैसे ही 56 से ज़्यादा कर देता है तो ये 4.7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। ये देखिए, ये दिया 4.8 भी, ये नॉर्मल कंडीशन बिलो देन 56 रहेगा या अप टू रहेगा, लेकिन यहाँ ना तो बिलो कहा है ना अप टू, बल्कि बियॉन्ड कहा है, यानी 56 बॉक्स एंड वैगन से अधिक लंबाई हो जाए तो तब वो 4.7। द एक्सल लोड कैपेसिटी ऑफ LW(LH25) बोगी, जो कि आप जानिए कि ये कहाँ लगा रहता है, ये बॉक्स एन यस जो बोगी होती है उसमें लगता है ये, तो 25 लिखा है, ये 25 टन ही होता है, हाई एक्सल कैपेसिटी होता है तो इसी में लगता है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू वंदे भारत ट्रेन। फिर से देखिए प्रश्न आ गया, नॉट करेक्ट पूछ रहा है वंदे भारत के लिए, क्या नहीं सही है। ऑल कोचेज आर इक्विप्ड विथ फुली सस्पेंडेड ट्रैक्शन मोटर, ये रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि ट्रैक्शन मोटर में बार बार बताता हूँ, ट्रैक्शन मोटर 50% है और केवल मोटर कोच में लगा है, तो ऑल कोच तो इक्विप्ड नहीं होगा, तो पहला क्वेश्चन गलत हो गया, पहला आंसर। फिर दूसरा पूछ रहा है, द बोगी आर बोस्टरलेस, तो बोगी आर बोस्टरलेस, यस इट्स ए राइट आंसर। इट हैज़ व्हील माउंटेड डिस्क ब्रेक, तो ये भी गलत है, चूंकि इसमें मैंने बताया है यस व्हील माउंटेड डिस्क ब्रेक तो है, फुली सस्पेंडेड ट्रैक्शन मोटर नहीं है। द बोगी आर बोगी लेस, ये भी सही है, ये भी सही है। फिर टॉयलेट ऑफ द बायो वैक्यूम जीरो डिस्चार्ज वैक्यूम टॉयलेट, ये भी सही, अच्छा है, वेरी गुड। यहाँ पूछ रहा है नॉट करेक्ट, तो ये नहीं करेक्ट है, बस ये, यानी मैं कन्फ्यूज हो गया था। ये तीनों क्वेश्चन, तीनों आंसर सही हैं। एक तो मैंने बताया व्हील माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम होता है, वेरी गुड सही है। बोल्स्टर लेस डिजाइन है, तो वेरी गुड, ये भी सही है। और सभी टॉयलेट जीरो डिस्चार्ज वायो वैक्यूम टॉयलेट ही लगा हुआ है, तो ये तीनों आंसर सही। यहाँ पूछ रहा है नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट में ऑल कोचेज आर नॉट इक्विप्ड, के ओनली मोटर कोच आर इक्विप्ड विद द ट्रैक्शन मोटर। ठीक, अगला प्रश्न, व्हाट इज द न्यू व्हील डायमीटर एंड कंडमिंग डायमीटर ऑफ व्हील यूज्ड इन द ट्रेन सेट। फिर देखिए अगला, यहाँ वंदे भारत से ही पूछ लिया है। ये सब मैंने MCQ में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, आई रिक्वेस्ट यू अगेन आप MCQ जरूर देखिएगा। अब व्हील इसका जो मैं पहले भी बताया हूँ कि चूंकि इसमें सभी कंपोनेंट्स अंडर स्लंग कंपोनेंट्स हैं जितने भी लगाए गए हैं, इसलिए इसमें व्हील के डाया को बढ़ाना पड़ा, तो इसका व्हील डायमीटर 952 mm न्यू है, 952 प्लस 0.5 mm कह सकते हैं, बट यहाँ नहीं दिया है। और 877 mm जो है इसका कंडमिंग डायमीटर है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही है, कंडमिंग और न्यू डाया पूछ रहा है, तो आपको वहाँ पर मैं एक्सप्लेन किया हूँ। बाकी क्या है, जैसे ये है 915 है ये, तो ये आपकी LHB के लिए हैं। ठीक है, तो LHB की कंडीशन में आएगा, तो ये है आपका 1840, ये नहीं है कोई बात। अगला प्रश्न देखिए, हाउ मेनी इमरजेंसी ओपनेबल विंडो आर अवेलेबल इन LHB AC कोचेस। मैं आप सभी लोगों से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अनुरोध जरूर करूंगा कि जब आप एग्जाम देने जाइए तो आप आंसर भले लेट से दीजिए, लेकिन क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा करिए, नहीं तो क्वेश्चन आंसर गलत हो जाते हैं। यहाँ कह रहा है इमरजेंसी ओपनेबल विंडोज आर अवेलेबल इन LHB AC कोचेज, तो यहाँ मैं बता दूं कि किसी भी LHB के AC कोचेज में इमरजेंसी ओपनेबल जो है 4 रहता है। इसमें भी कुछ लोगों ने आंसर गलत दिया हुआ है, चूंकि वो तो नायर ने डाल दिया था 12 नंबर्स, तो 12 दे दिए हैं, दैट इज़ रॉन्ग आंसर। आपका इमरजेंसी ओपनेबल विंडोज कोई भी AC कोचेज हैं उसमें 4 दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए,
विच केमिकल इज रिकमेंडेड टू क्लीन द वाटर टैंक ऑफ यल एच बी कोचेज सो एज टू एवॉयड स्केलिंग। स्केलिंग मतलब जो पपड़ी लग जाता है उसको एवॉयड करने के लिए यल एच बी कोच में D2 और D3 में दोनों में प्रायः यूज करते हैं, विनीगर यूज करते हैं, सिरका जिसे हम कहते हैं इसको यूज किया जाता है, मतलब अकॉर्डिंग टू स्केलिंग को रिमूव करने के लिए किस तरह का शेड्यूल किया गया है उसमें 4 से लेकर के 10 लीटर तक विनीगर से इसको साफ किया जाता है वाटर टैंक को। आगे का देखिए, वेयर इज द वाटर पंप कंट्रोलर लोकेटेड इन एल एच पी कोचेज। पंप का कंट्रोलर, वाटर पंप का जो कंट्रोलर होता है वो स्विच बोर्ड में रहता है, तो यहाँ पर अंडर सलंग है स्विच बोर्ड। स्विच बोर्ड का कैबिनेट होता है ये तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग जानते होंगे, 110 वोल्ट DC से रहता है, ठीक है, तो ये DC है तो इससे रहता है, तो इसको आप जानिए। फिच आप तीज फीचर्स आर अवेलेबल इन अंत्योदया कोच, दिस इज द टाइप ऑफ कोच ये जो निकाला गया है रेलवे में के लिए। तो इसमें क्या है कि ये एक तो सबसे पहले बता दें आपको बहुत ही प्लीजेंट इसका कलर दिया गया है येलो एंड रेड कलर में, बहुत अच्छा लगता है। दूसरा वेस्टिबल फॉर इंटर कोच मूवमेंट, यस वेस्टिबल दिया गया है इसमें। इम्प्रूवड FRP वगैरह टॉयलेट्स दिए गए हैं, ये भी दिए गए हैं। कुशन लगेज रेक, लगेज रेक में कुशन प्रोवाइड किया गया है, तो इसलिए इसका ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। इसके अलावा भी मैं बता दूं कि इसमें जो है प्यूरीफायर, वाटर प्यूरीफायर दिया गया है, तो बहुत ही बेहतरीन है ये चीज़ें, तो ये अच्छा है अंत्योदय। तो इसका डिटेल्स, तो इसका ऑप्शन हो गया, सब कुछ इसमें है ऑल। अगला है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ द फ्रेट ट्रेक, फ्रेट ट्रेन का इंटेंसिव एग्जाम करने का क्या फ्रीक्वेंसी है। अब इसमें जानते हैं, ऑल फ्रेट ट्रेन शुड बी सब्जेक्टेड टू इंटेंसिव एग्जामिनेशन इन एम्प्टी कंडीशन। तो सभी फ्रेट ट्रेन का इंटेंसिव जो है खाली कंडीशन में ही किया जाता है, इन एक्सेप्शनल केस, कह रहा है एक्सेप्शनल खुद ही एक्सेप्ट कर रहा है। द बैक लोडेड फ्रेट ट्रेन कैन बी एग्जामिन्ड, यस ये भी सही है। ऑल फ्रेट ट्रेन शैल बी री एग्जामिन्ड इफ स्टेबल फॉर मोर देन 24 आवर्स। ये तीन के तीनों कंडीशंस लागू होते हैं, इसलिए इसका आप आंसर है ऑल ऑफ द गिवन एबव, जो ऑप्शन है ये सभी सही हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि क्या है फ्रिक्वेंसी, तो ये सभी हैं। अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्रैशवर्दी डिजाइन। क्रैशवर्दी डिजाइन जो कोचेज किए गए हैं इसमें देखते हैं, टू एब्जॉर्ब कोलिजन एनर्जी इन कंट्रोल एंड प्रिडिक्टिव मैनर, टकराव और ऊर्जा को नियंत्रित एवं पूर्वानुमानित तरीके से अवशोषित करना, यस ये तो ऑप्शन है ही। टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ओवरराइडिंग, यस ये भी है। टू मेंटेन सर्वाइवल स्पेस एंड स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द ऑक्यूपाइड एरिया, ये भी सही है, इसलिए इसका भी ऑप्शन हुआ ऑल ऑफ द एबव। क्रैशवर्दी डिजाइन जो कोचेज के किए गए हैं अभी सभी आ रहे हैं लगभग। व्हाट टाइप ऑफ द ट्रांसमिशन इन WDG4D लोकोमोटिव्स। अब हम आ गए डीजल के क्वेश्चंस। आप सभी को पता है कि जो आप AME और AWM का एग्जाम देते हैं इसमें CNW और डीजल और वर्कशॉप मिला करके रहता है, तो ये है। तो इसमें पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ द ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन इसका WDG4 जो है HHP लोकल जो लोको रहता है इसका AC ट्रांसमिशन है, तो ये आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, इन WDG4 लोकोमोटिव रीजन फॉर आयल थ्रोइंग फ्रॉम टर्बो सुपरचार्ज चिमनी में भी क्या हो सकता है, उसमें से है कि डैमेज पावर असेंबली हो सकता है, टर्बो लिब्रिनिथ सील जो है फेल्योर ये भी है, और आयल सेपरेटर स्क्रीन मिसिंग ये भी सही है। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द एबव हो गया, क्योंकि इसके सभी आंसर के कारण जो है टर्बो सुपरचार्जर चिमनी से लीकेज हो सकता है। इन HHP में WDG4 और WDP4 यानी गुड्स और पैसेंजर दोनों लोगों को, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ऑटो फ्लैशर ऑपरेशन, ऑटो फ्लैशर ऑपरेशन का इफेक्ट क्या होता है वो पूछ रहा है। इंजन कम्स टू आइडल होता है, ऑटो फ्लैशर इंडिकेशन तो होता ही है, और बजर ऑपरेट होता है ऑल ऑफ द एबव, तो ये सभी ऑप्शन इसके सही हैं। आगे देखिए, इन HHP WDG4 WDP4 लोकोमोटिव व्हाट इज द प्रेशर सेटिंग ऑफ MR सेफ्टी वाल्व, MR सेफ्टी वाल्व का प्रेशर किस रेट पर सेट किया रहता है। तो MR का जो प्रेशर होता है इसको सेट किया रहता है सेफ्टी प्रेशर, यानी उसके बाद वो सेफ्टी वाल्व जो है ब्लो करता है, तो वो 10.6 kg/cm² 150 PSI लिखा है, ठीक है, तो इस पर जो है वो सेट किया रहता है।
तो राइट आंसर है 10.6 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 150 पीएसआई। अगला प्रश्न है, विच टाइप ऑफ डीजल इंजन इज फिटेड इन WDG4 लोकोमोटिव। WDG4 लोकोमोटिव जो है ये HHP लोकोमोटिव है। तो HHP में क्या है, सभी 16 सिलेंडर और 2 स्ट्रोक हैं। तो 2 स्ट्रोक, तो इसमें देखिए यहाँ पूछ रहा है तो 2 स्ट्रोक कर दीजिए आपका, तो यही वाला है इसमें फिट, आंसर हुआ 4 2 स्ट्रोक। अगला प्रश्न, ड्यूरिंग विच स्ट्रोक इनलेट वाल्व्स ओपन इन मेन इंजन ऑफ एल्को डीजल लोकोमोटिव। देखिए जो इसके पहले LGS का क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें भी था, तो कॉन्ट्राडक्टरी क्वेश्चन उसमें भी पूछा गया था, वैसे ही यहाँ पर भी है। इनलेट वाल्व ओपन, तो सबसे पहले सक्शन, कंप्रेशन, पावर स्ट्रोक एंड एग्जॉस्ट। तो सक जब करेगा तभी इनलेट वाल्व ओपन होना चाहिए, 20 डिग्री पहले ही खुल जाता है। तो कुल मिलाकर के इसका ऑप्शन है सक्शन स्ट्रोक के समय इनलेट वाल्व ओपन रहेगा। बट फिर मैं बताऊंगा कि इसके आंसर्स कुछ जगह जो है लोगों ने फीडबैक दिया कि गलत दिया गया है, बट करेक्ट आंसर है इसका सक्शन के समय। और दूसरा जानिए कि जैसे सक्शन हो गया, फिर कंप्रेशन हो गया, फिर उस समय पावर स्ट्रोक होगा और एग्जास्ट। तो आप ये जानिए कि कंप्रेशन और पावर स्ट्रोक के टाइम पर तो दोनों इनलेट और एग्जास्ट वाल्व बंद रहते हैं, एंड एग्जास्ट वाल्व ये दोनों बंद रहते हैं। तो खुला क्या, इनलेट वाल्व जो है सक्शन के टाइम इनलेट वाल्व खुला रहेगा, अब एग्जास्ट के टाइम एग्जास्ट वाल्व खुला रहेगा, लेकिन एट द एंड इनलेट वाल्व फिर खुल जाएगा। तो एग्जास्ट के टाइम पर भी खुलता है और इनलेट के टाइम, तो सक्शन के टाइम। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सक्शन के टाइम, ठीक है। हो सकता है किसी ने एग्जास्ट भी दिया हो, बट ऑथेंटिक आंसर है सक्शन के टाइम। अगला प्रश्न देखते हैं, इन WDG4G लोकोमोटिव ट्रैक्शन मोटर स्पीड इज कंट्रोल्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। कैसे कंट्रोल किया जाता है ट्रैक्शन मोटर। देखिए यहाँ भी पूछ रहा है कि WDG4G लोकोमोटिव में ट्रैक्शन मोटर स्पीड इज कंट्रोल बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ट्रैक्शन मोटर का स्पीड जो कंट्रोल किया जाता है वो वायरिंग VVVF आपने पढ़ा होगा, VVVF, ठीक है, वायरिंग वोल्टेज, वायरिंग फ्रिक्वेंसी। तो हम वायरिंग फ्रिक्वेंसी लेते हैं, आप AC मोटर इन स्टेटर वाइंडिंग, तो ये आपका राइट आंसर हुआ। अगला प्रश्न है, इन द GM लोकोमोटिव WDG4D द टर्बो सुपर चार्जर इज ड्रिवन बाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। टर्बो सुपर चार्जर किससे ड्राइव होता है, तो एग्जास्ट गैस से, यस एग्जास्ट गैस से भी होता है, गियर ट्रेन यहाँ दोनों दिया है, यानी गियर ट्रेन और एग्जास्ट गैस दोनों से होता है, क्योंकि इससे भी होता है, लेकिन जब दोनों दिया है तो आंसर आपका 3 हो गया, गियर ट्रेन एंड एग्जास्ट गैस। व्हाट इज ट्रैक्शन मोटर पिनियन एंड बुल गियर रेशियो ऑफ WDP4 लोकोमोटिव। यानी यहाँ पैसेंजर है, पैसेंजर का मैंने बताया है 17:77 होता है। अगर ये WDG होता 4 तो यहाँ पर 17:90 हो जाता है। तो आपका ये दोनों क्वेश्चन हो गया कि यहाँ P की जगह G कर दिया तो 17:90 हो जाएगा, और चूंकि WDP है पैसेंजर है तो यहाँ 17:77। अगला प्रश्न, स्पेक्ट्रोग्राफिक एनालिसिस ऑफ ल्यूबायल का स्पेक्ट्रोग्राफी किया जाता है कंटामिनेशन के कारण। तो इसमें क्या होता है कि देखिए, pH वैल्यू, विस्कासिटी ऑफ ल्यूब, नहीं, वियर मेटल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ल्यूबायल, ये कंटामिनेशन हो जाता है। तो जो है ल्यूबायल को, उसके लिए वियर मेटल्स घिस करके चले जाते हैं, तो उसके लिए स्पेक्ट्रोग्राफिक एनालिसिस किया जाता है ल्यूबायल का। अगला है, इन HHP लोकोमोटिव, वही GM लोको, इंजन शुड बी प्री लुब्रिकेटेड बिफोर स्टार्टिंग इफ इट हैज शट डाउन। यदि यह बंद है तब प्री लुब्रिकेटिंग तब किया जाना चाहिए बिफोर। तो बिफोर मोर देन, अगर 40 आवर्स एंड अर्लियर, एनी टाइम नहीं किया जाता है, मोर देन 48 आवर्स से अधिक हो जाए तब जो है उसको प्री लुब्रिकेट किया जाता है। इन 3-phase EMU rake which is the leading coach, like that, वही बताया, DPRS है, EMU is also DPRS distributed power rolling stock like that, वंदे भारत। तो इसमें जो है लीडिंग कोच क्या होता है, DTC मैंने पहले ही बताया है, ड्राइविंग ट्रेलर कोच,
टीसी और ईएमसी रहता है। तो डीटीसी जो है ड्राइविंग ट्रेलर कोच, आप वंदे भारत का पढ़ेंगे तो फिर से आपका कन्फर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 49, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डायनेमिक ब्रेक अप्लीकेशन इन एल्को। डायनेमिक ब्रेकिंग अप्लीकेशन के लिए क्या होता है कि इसमें आप ये एकदम क्लियर जानिए कि जब भी डायनेमिक ब्रेक अप्लीकेशन किया जाता है तो उसमें क्या आता है, जितने ट्रैक्शन मोटर होते हैं ये डीजी की तरह काम कर लेते हैं, डीसी जनरेटर हो जाते हैं। तो यहाँ पर दिया है ऑल ट्रैक्शन मोटर्स आर कन्वर्टेड इनटू डीसी जनरेटर, तो ये सही है। ट्रैक्शन अल्टरनेटर इज कन्वर्टेड नहीं, ये भी एक्सल जनरेटर है नहीं, ये नहीं है कोई भी। आंसर नंबर वन ये सही आंसर है, डायनेमिक ब्रेकिंग में जो आपका ट्रैक्शन मोटर है ये जनरेटर की तरह काम करता है। नेक्स्ट देखिए, इन ट्रैक्शन अल्टरनेटर इन एल्को लोकोमोटिव, इन ट्रैक्शन अल्टरनेटर इन एल्को लोकोमोटिव में क्या, बोथ फील्ड एंड आर्मेचर रोटेट्स, फील्ड इज रोटेट आर्मेचर इज स्टेशनरी, नाइदर फील्ड नॉर आर्मेचर इज रोटेट, फील्ड इज स्टेशनरी आर्मेचर इज रोटेटिंग। तो इसमें क्या है, इसका राइट आंसर है फील्ड इज रोटेट आर्मेचर इज स्टेशनरी, आर्मेचर स्टेशनरी रहता है, फील्ड रोटेट करता है ट्रैक्शन अल्टरनेटर में। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 51 नंबर, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड इन परसेंटेज बिटवीन सेंटर पिवट एंड साइड बीरर इन WDM2 लोकोमोटिव। लोको की बात कर रहा है, यानी साइड बीरर और सेंटर पिवट पिन में क्या परसेंटेज होता है। तो पहले सेंटर पिवट पूछ रहा है, फिर साइड बीरर इसका पूछ रहा है, तो इसमें होता है 60:40 का रेशियो, 60% सेंटर पिवट से होता है ट्रांसफर और साइड बीरर से 40%। ये तो लोको की बात आ गया। मान लीजिए ICF कोच पूछ लिया, तो ICF कोच में चूंकि साइड बीरर रहता है तो उसमें 100% साइड बीरर के थ्रू ही लोड जो है ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। और अगर वैगन पूछ ले, चूंकि LHB में तो रहता नहीं है साइड बीरर और सेंटर पिवट, तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर वैगन में पूछ ले तो वैगन में दो तरह से है कंडीशन, अगर गाड़ी एम्प्टी है तो साइड बीरर से 90% है और सेंटर पिवट CP से 10%, और अगर ये लोडेड है तो उल्टा कर दीजिए, CP से 90% और साइड बीरर से SB से साइड बीरर से 10% हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये पता चल गया ICF का और वैगन का। ठीक, लोगों का आपका यहाँ पर कन्फर्म हो गया। अब ये जो है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस मैंने बताया है, ये जनरली आपको मिलेगा नहीं कहीं। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एमंग द अवेलेबल अलाउंसेज अंडर चितरंजन लोकोमोटिव चितरंजन इंसेंटिव स्कीम। क्या नहीं है, मतलब कौन सा अलाउंसेज नहीं दिया जाता है, तो फटीग अलाउंस दिया जाता है जो कि 12.5% होता है। तो ये तो आपका कन्फर्म हो गया 12.5%। जनरल हैंडलिंग अलाउंसेज एंड गेजिंग अलाउंसेज, तो ये भी दोनों दिए जाते हैं, जिसमें कंटीजेंसी अलाउंस 10% है और गेजिंग अलाउंस 5% है, 5% गेजिंग का है, ये कंटीजेंसी रहता है। फैमिली अलाउंस तो यहाँ पूछ रहा है नॉट एमंग अवेलेबल, तो ये फैमिली अलाउंस नहीं है। द ओवरहेड कास्ट डज नॉट कंप्राइज विच ऑफ द फॉलोइंग, ओवरहेड कास्ट जो है डायरेक्ट लेबर का ओवरहेड कास्ट नहीं कंप्राइज होता है। अंडर फैक्ट्री एक्ट, फैक्ट्री एक्ट 1948, हु इज द नॉमिनेटेड एज ऑक्यूपायर, ऑक्यूपायर ऑफ द वर्कशॉप जो होता है चीफ वर्कशॉप मैनेजर होते हैं CWM, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, CWM इज नॉमिनेटेड ऑक्यूपायर ऑफ द अंडर फैक्ट्री एक्ट 1948। अगला प्रश्न है, ऑन नॉर्मलाइजेशन इन टाइम स्टडी द एक्चुअल टाइम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द वर्क साइकिल शुड बी कन्वर्टेड टू टाइम एट विच रेटिंग, एट विच रेटिंग में तो 80% पर होता है। एज पर इंडियन रेलवे रोलिंग स्टॉक कोड अंडर CLW पैटर्न ऑफ इंसेंटिव स्कीम द सीलिंग लिमिट ऑफ प्रॉफिट इज फिक्स्ड एट व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टैंडर्ड बेसिक वेज, स्टैंडर्ड बेसिक अनुसार इसमें 50% रहता है। अगला प्रश्न है, इन CLW इंसेंटिव स्कीम सीनियर सेक्शन इंजीनियर SSC सुपरवाइजिंग इंसेंटिव सेक्शंस आर पेड मंथली बोनस 15% मिलता है,
तो लेकिन कैसे मिलता है 15% वर्किंग डेज इन मंथ नहीं है, 15% ऑफ द ईयर बेसिक ऑल वर्किंग डेज नहीं, 15% ऑफ द ईयर बेसिक इन प्रपोर्शन टू द नंबर ऑफ डेज ही इज प्रेजेंट ऑन ड्यूटी आउट ऑफ द टोटल। यस दिस इज राइट आंसर। किसी भी एसएससी को 15% जितने दिन वो उपस्थित रहेगा उसी के प्रपोर्शनेट पर मिलता है, तो यही बता रहा है। अगला प्रश्न है, इन सीएलडब्ल्यू इंसेंटिव स्कीम इफ़ ए डायरेक्ट वर्कर कंप्लीट से जावा 4 आवर्स अलाउड इन 3 आवर्स ही विल बी पेड हाउ मच। तो 4 3 आवर्स में कर दिया तो 1/3 तो 33.33%, बहुत सरल है। अगला, इन ग्रुप इंसेंटिव स्कीम हाउ मच इंसेंटिव इज पेड टू सपोर्ट डिपार्टमेंट एज कंपेयर टू एवरेज इंसेंटिव ऑफ द प्रोडक्शन स्टाफ। तो सपोर्ट स्टाफ को कितना मिल, सपोर्ट स्टाफ को भी 50% है, राइट आंसर। अगला है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ अनीलिंग लो कार्बन स्टील। अनीलिंग की बात कर रहा है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट जो हार्डनिंग टेम्परिंग अनीलिंग एंड नॉर्मलाइजिंग किया जाता है। तो अनीलिंग जनरली किया जाता है कि जब भी किसी का मटेरियल का जो है हीट ट्रीटमेंट किया जाता है तो उसमें इंटरनल स्ट्रेसेज आ जाते हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए अनीलिंग प्रोसेस किया जाता है। तो देखिए, इम्प्रूव हार्डनेस, तो हार्डनेस के लिए तो किया ही नहीं जाता अनीलिंग, हार्डनेस के लिए तो हार्डनेस ही किया जाता है। और टू रिड्यूस मशीनेबिलिटी नहीं, टू रिलीज द इंटरनल स्ट्रेसेस जनरेटेड ड्यूरिंग वर्क ऑपरेशन। यस, तो ये दिस इज द राइट आंसर। ठीक, तो यानी ये आपको समझ में आ गया होगा, ये हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग क्या होता है, स्फेरोडाइजिंग तो नहीं होता है, टेम्परिंग तो हीट ट्रीटमेंट है, नॉर्मलाइजिंग भी ट्रीटमेंट है, साइनाइडिंग। देखिए, हीट ट्रीटमेंट क्या है, कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग एंड साइनाइडिंग जो है, ये तीनों केस हार्डनिंग होते हैं। तो यहाँ पर साइनाइडिंग दिया है इसलिए हमने साइनाइडिंग इज राइट आंसर, बट ये तीनों होते हैं केस हार्डनिंग। अगला जो है, ऑरेंज पील इज ए डिफेक्ट एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑरेंज पील क्या होता है, जब जिसमें पेंटिंग करते हैं तो पेंटिंग में अगर बराबर लेयर नहीं आता है तो वो बहुत ही थिक लेयर बना लेता है, लास्ट वाला लेयर, तो उसको हम कहते हैं ऑरेंज पील। तो यानी ये तो पेंटिंग से रिलेवेंट है, तो पेंटिंग का हो गया। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एडाप्टर इन कैश्नब बोगी। अगर कैश्नब बोगी के बीच एडाप्टर डिस्प्लेस हो गया तब क्या हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म लोडिंग ऑफ द बियरिंग, प्री मेच्योर फेल्योर ऑफ बियरिंग, पंचिंग पॉइंट लोडिंग ऑफ द कप, पिंचिंग या पॉइंट लोडिंग। इसमें नॉन यूनिफॉर्म लोडिंग हो जाएगा क्योंकि एडाप्टर जो है डिस्प्लेस हो गया है। अगला है, इन लेथ मशीन द टूल्स हैज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द मोशन। दो टाइप का मोशन होता है, एक तो ऐसे ऐसे करता है टूल्स, और दूसरा जॉब में डेप्थ दे सकता है, तो यानी लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स दो होगा। तो दो मोशन, तो टू टाइप ऑफ मोशन लेथ मशीन में होता है। फिर देखिए, ये नॉर्मल लेथ मशीन की बात किया है। अगला प्रश्न है, द एक्यूरेसी ऑफ माइक्रोमीटर कैलीपर डायल इंडिकेटर कैन बी चेक्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। फिलर गेज तो इसके लिए होता नहीं है, तो ये भी नहीं है, रिंग गेज भी नहीं होता है, प्लग गेज भी नहीं होता है, ये बचता है स्लिप गेज जो है, यही है इसके लिए सबसे हाईएस्ट कैलीबर वाला, जिससे हम इसकी एक्यूरेसी को पाते हैं स्लिप गेज का। तो इसका आंसर हुआ स्लिप गेज। आगे देखते हैं, रेल व्हील फैक्ट्री यानी RWF एंड रेल व्हील प्लांट RWP ऑफ इंडियन रेलवे प्रोड्यूस रेल व्हील डिस्क बाई विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। देखिए, ये दोनों को ज़्यादा सोचना नहीं है, दो के दोनों बहुत फेमस है, कास्टिंग प्रोसेस से व्हील को बनाते हैं। तो इसमें चाहे वो RWF हो, रेल व्हील फैक्ट्री हो, या RWP हो, ये दो के दोनों कास्टिंग से ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, फोर्जिंग करते ही नहीं, फैब्रिकेशन होता ही नहीं है, फोर्जिंग नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव कंडीशंस ऑफ फास्फोरस रिमूवल ड्यूरिंग व्हील कास्टिंग। तो क्या करते हैं, व्हील कास्टिंग के दौरान फास्फोरस हटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी स्थितियां हैं।
स्लैग शुड बी हाईली एसिडिक इन नेचर, स्लैग शुड बी रिड्यूसिंग इन नेचर, रेट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज शुड बी लो, ऑल ऑफ द करेक्ट आंसर में। इसमें देखिए एसिडिक और इससे तो है नहीं, रेट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज शुड बी स्लो। अगर ये धीरे धीरे करेंगे, ये तो एक प्रोसेस हो गया जब ये फास्फोरस रिमूवल के लिए, तभी जो है ये बहुत ही अच्छे तरह से कास्टिंग में होगा। तो रेट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज वेरी स्लो, स्लो से रेट से करें। ये माइक्रोमीटर हैज निगेटिव इरर ऑफ 0.03 mm। निगेटिव इरर मतलब अगर इस स्थान पर जीरो पर है तो ये ऑलरेडी निगेटिव बता रहा है, यानी अगर हमको जीरो बनाना है तो हमको प्लस करना पड़ेगा ये पॉइंट। अब क्या करें, व्हाट इज द करेक्ट रीडिंग व्हेन द माइक्रोमीटर मेजर्स 40.53। तो क्या करने का, 40.53 प्लस प्लस जोड़ दीजिए इसमें 0.03। चूंकि जब भी नेगेटिव इरर बताएगा तो वो जोड़ दिया जाता है और पॉजिटिव इरर बताएगा तो माइनस किया जाता है। चूंकि अगर हम कह दें कि 0.2 पॉजिटिव है, तो यानी अगर एक पर है तो सही एग्जैक्ट 0.2 कम होना चाहिए, तो इसलिए पॉजिटिव पे, और नेगेटिव पे है तो मतलब पहले से ही कम बता रहा है तो उसको ऐड करना है। तो यानी ये आ गया 40.56। तो देखिए आंसर 40.56, ये दो नंबर दिया है, दिस इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हुपर वैगन। हुपर वैगन क्या रहता है, कि हुपर वैगन में POBRN जो है ये आपका हुपर वैगन कहलाता है। तो इस वैगन का जब आप टाइप पढ़ेंगे तो कवर्ड वैगन, ओपन वैगन, टैंक वैगन, हुपर वैगन, तो ये हुपर वैगन में POBRN आता है, बहुत फेमस वैगन है। अगला देखिए, व्हाट इज पीरियडिसिटी ऑफ सेंडिंग LHB कोच इन साफ शेड्यूल 3, SS1, SS2, SS3 LHB के लिए बहुत फेमस जो है ये हैं, और SS3 ये साफ शेड्यूल 3 है। तो ये 18 मंथ बाद, ये 36 मंथ, इसको 18 करते हैं, और ये 72 मंथ, ये सब EM कर दीजिए। तो अब ये क्या हो गया कि SS3 पूछ रहा है बट यहाँ ईयर्स में दे दिया है, तो ये 12/72 यानी 6 ईयर्स के लिए हो गया है। तो LHB कोच का SS3 शेड्यूल 6 ईयर्स में किया जाएगा। अगला, अब ये टेक्निकल हो गया, प्लस 10 क्वेश्चन राजभाषा का रहेगा, पार्ट ए का। अब ये राजभाषा शुरू हो रहा है, हुई चेयरमैन पर्सन ऑफ केंद्रीय हिंदी समिति, केंद्रीय हिंदी समिति के चेयरमैन जो होते हैं, ये अध्यक्ष जो है ये बाय डिफॉल्ट प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो इसमें सोचना ही नहीं है। प्रश्न नंबर, विच अवार्ड स्कीम इज फॉर राइटिंग पोएट्री एंड गजल कलेक्शन इन हिंदी। तो पोएट्री के लिए जो हैं यहाँ पर, पोएट्री के लिए बात है, तो पोएट्री के लिए बहुत फेमस कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी, तो मैथिली शरण गुप्त राइट आंसर है। अगर यही पोएट्री और गज़ल की जगह स्टोरी के लिए रहता, अगर ये स्टोरी या नॉवेल के लिए रहता, तो उसके लिए कई बार प्रश्न पूछता है यही उल्टा कर देगा प्रश्न, यहाँ पोएट्री और गज़ल किया है, वहाँ स्टोरी एंड नॉवेल कर देगा, तो उसके लिए मुंशी प्रेमचंद। तो आपके दो क्वेश्चन सही होने चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड मिलता है जब टेक्निकल बुक को हिंदी में लिखते हैं, तो ये आपके तीन क्वेश्चंस इस प्रश्न से सॉल्व हो गए। अगला प्रश्न है, एज पर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल कह रहा है 1976, यूनियन टेरिटोरी ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड कम अंडर विच रीजन। तो अंडमान एंड निकोबार ए रीजन में आता है। इसमें आपको थोड़ा सा राजभाषा के डिटेल्स में जाएंगे, तो ए बी और सी या क ख ग में कौन कौन से राज्य आते हैं उनको आपको याद करना पड़ेगा। तो जिसमें अंडमान एंड निकोबार आपका क खंड या ए राज्य में सेक्शन में आता है। फिर अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976, द कंट्री हैज़ बीन क्लासिफाइड टू हाउ मेनी रीजन। पहले ही प्रश्न में बता रहा हूँ कि क ख ग तीन रीजन में बांटा गया है, ए बी सी। तो देखिए आंसर, तो
तो इसमें तो कोई नहीं है, तीन है ही नहीं, तो ऑप्शन हो गया ननाप्त एवं, यानी राइट आंसर है थ्री, और थ्री है नहीं। अगला प्रश्न है, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो होता है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में काम करता है, तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, अंडर रूल 8 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज रूल एन एम्प्लाई इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस में रिकॉर्ड ए नोट ऑन फाइल इन विच लैंग्वेज। कोई भी केंद्रीय कर्मचारी जो है ऑफिस में नोट हिंदी या इंग्लिश में लिख सकता है, तो यहाँ हिंदी ओनली, इंग्लिश ओनली, हिंदी आर इंग्लिश, तो ये आंसर सही है, हिंदी आर इंग्लिश। अब देखिए फिर अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेज इज नॉट इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल। पहले तो पता हो कि 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं, जिसमें संथाली है, नेपाली है, कोंकणी है, क्या नहीं है पूछ रहा है, नॉट इंक्लूडेड, यहाँ कह रहा है नॉट इंक्लूडेड, तो राजस्थानी नहीं है, ये क्लियर हो जाए कि राजस्थानी नहीं इंक्लूडेड है, बाकी ये तीनों इंक्लूडेड है, तो आपका ये प्रश्न तैयार हो गया। और 8वें शेड्यूल में 22 लैंग्वेज हैं, वेरी बिगनिंग में जब ये था तब 14 शेड्यूल, स्टार्ट में 14th जो लैंग्वेज थे, अब जो है 8वें शेड्यूल में 22 लैंग्वेज हो गए, स्टार्टिंग में 14 लैंग्वेज ही था। सेक्शन 3 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 कम इनटू फोर्स ऑन विच डेट, 26 जनवरी 1965, तो ये आपका राइट आंसर है, ये देख लीजिए। अब अगला प्रश्न हम चलते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन राजभाषा हैज मेंबर फ्रॉम विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट्री कमेटी में दोनों रहते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के, तो लोकसभा भी रहते हैं राज्यसभा, बोथ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, तो लोकसभा से 20 और राज्यसभा से 10 रहते हैं, टोटल 30 मेंबर्स होते हैं, तो आपका ये एडिशनल क्वेश्चन तैयार हो गया। एज पर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 कम्युनिकेशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस इन रिप्लाई ऑफ कम्युनिकेशन इन हिंदी शैल बी गिवेन इन विच। देखिए इसमें कुछ आपको सोचना नहीं है, अगर आपसे हिंदी में पत्राचार किया जा रहा है तो आप हिंदी में दीजिए, इसमें डाउट नहीं होना है। अगला देखिए हम आ गए अब पार्ट बी में आ गए हैं, जिसमें 30 क्वेश्चंस रहेगा और 30 में 30 क्वेश्चंस आपके लिए कंपलसरी रहेगा करना। इसको भी देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोर इज डिस्क्राइब्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। स्टोर का क्लासिफिकेशन किस में है, तो इंडियन रेलवे कोड ऑफ स्टोर डिपार्टमेंट वॉल्यूम नंबर 1 में ही है, इसलिए इसका आंसर 1 हो गया, तो 2 में तो है ही नहीं, रोलिंग स्टॉक है ही नहीं, आला देवर भी कुछ नहीं। आइटम्स केप्ट इन द कस्टडी ऑफ द स्टोर डिपार्टमेंट विच आर फ्रिक्वेंटली एंड रेगुलरली रिक्वायर्ड एंड हुज यूनिट कास्ट जस्टिफाइज इनकर्ड इन्वेंट्री कैरिंग कास्ट एसोसिएटेड विद द आइटम्स ऑफ द क्लासिफाइड। देखिए इसका कहने का मतलब है कि जो आपको रेगुलर जरूरत होता है और बार बार जरूरत होता है, जो मटेरियल रखे गए हैं उनको कौन सा आइटम कहा जाता है, तो इमरजेंसी आइटम इम्प्रेस्ट है वो स्टॉक आइटम कहते हैं, स्टॉक आइटम है जो पीएल नंबर। और अब अगर फ्रिक्वेंटली नहीं ज़रूरत है या अकेजनली कभी कभी लगता है तो उसको हम नॉन स्टॉक आइटम में खरीदते हैं, तो आपको क्लियर हो जाए कि स्टॉक आइटम क्या हो गया, नॉन स्टॉक। स्टॉक आइटम फ्रिक्वेंटली एंड रेगुलर जरूरत पड़ेगा, नॉन स्टॉक आइटम कभी कभार जरूरत पड़ता है तो उसको हम नॉन स्टॉक आइटम में करते हैं। स्टॉक आइटम है तो उसका पीएल नंबर रहेगा, नॉन स्टॉक आइटम है तो उसका पीएल नंबर नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, फॉर्म नंबर यस 1302 इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए ये रिक्विजिशन बनाने के लिए स्टोर का यूज किया जाता है, तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा। फॉर्म नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिस्क्राइब्ड मोड ऑफ डायरेक्ट परचेजिंग इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे में परचेज करने के लिए क्या करते हैं, बुलेटिन टेंडर भी यूज करते हैं, सिंगल टेंडर भी यूज करते हैं, लिमिटेड टेंडर भी, ऑल ऑफ द एबव, सभी जो है आपको डायरेक्ट परचेज करने के लिए ही है। अगला है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट इन स्टोर टेंडर इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ द परचेज ऑर्डर, नहीं, टोटल एस्टिमेट वैल्यू ऑफ द टेंडर, टोटल वैल्यू ऑफ लोवेस्ट, इससे भी नहीं, आपका ये होता है टोटल एस्टिमेट वैल्यू ऑफ द टेंडर, इससे ही होता है, तो आंसर नंबर 2 इसका सही है। अब आगे का प्रश्न है, पीएल नंबर इन स्टोर, पीएल नंबर किस चीज़ से स्टोर का परिभाषित किया गया है, तो ये तो पीएल नंबर मैंने अभी पहले ही क्वेश्चन में बताया, प्राइस लिस्ट नंबर है, तो आपको यहाँ पर देख लेना है प्राइस लिस्ट नंबर, तो
यही होता है, फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो आपके इसीलिए मैं बताया कि आपके कई क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, इन रेफरेंस टू स्टोर व्हाट लास्ट डिजिट इन पीएल नंबर डिनोट्स। तो अब सबसे पहले मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पीएल नंबर में 8 डिजिट होता है पीएल नंबर। अब क्या होता है, फर्स्ट टू डिजिट यानी पहला और दूसरा डिजिट जो होता है उसको हम मेन ग्रुप में रखते हैं, मेन ग्रुप में। फिर 2 डिजिट और हुए यानी थर्ड और फोर्थ डिजिट जो है ये सब ग्रुप हो जाता है। फिर जो है 2 2 4 हो गए, फिर 3 डिजिट जो रहता है यानी 4 तो डिजिट इसमें हो गए, 5वां 6वां और 7वां डिजिट जो होता है वो आइटम नंबर होता है, और लास्ट डिजिट जो 1 डिजिट का रहता है वो होता है चेक डिजिट। तो यहाँ पूछ रहा है व्हाट इज द लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट यानी चेक डिजिट रहेगा, तो चेक डिजिट ये आंसर है। अब मेन ग्रुप नंबर में क्या रहेगा, पहला 2 डिजिट नंबर 1 नंबर 2, फिर नंबर 3 4 3 4 पे जो रहेगा यानी बाद वाले 2 डिजिट उसमें सब ग्रुप आ जाएगा। फिर उसके बाद 5वां 6वां 7वां डिजिट यानी लास्ट के बाद के 3 डिजिट वो रहेंगे आइटम नंबर, और लास्ट वाला यानी 8वां डिजिट जो रहेगा लास्ट डिजिट का ही है तो वो चेक डिजिट। तो आपका ये क्वेश्चन बराबर तैयार हो गया। अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा पीएल नंबर में से तो आप कर लेंगे। इन एबीसी एनालिसिस ऑफ इन्वेंट्री व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज बेसिस ऑफ कैटेगरी एनालिसिस लाइक एबीसी। एबीसी कैटेगरी में क्या करते हैं, जो आइटम की संख्या होती है उसको हम क्या लेते हैं, 5%, 15% और 70%, 80% कर लें, 70 से 80 ये कर लेते हैं। बट इसमें कह रहा है कि कंसिडर्ड मेन बेसिक क्या करते हैं, ये तो क्वांटिटी होती है, ठीक है, बट क्या होता है कि इसको वैल्यू के आधार पर करते हैं। तो इनका कितना रहता है, तो इसमें लगभग 70% वैल्यू केवल 5% आइटम का होता है, यानी टोटल स्टोर में जो 5% आइटम है उनका टोटल कास्ट 70% हो जाता है, इसलिए जो एनालिसिस किया जाता है वैल्यू आइटम पर, ठीक है, तो ये इसी अनुसार हो जाता है। आइटम्स ऑफ स्टोर विच हैव नॉट बीन इशूड फॉर 24 मंथ एंड विच इट इज कंसिडर्ड आर नॉट लाइकली टू बी यूटिलाइज्ड ऑन एनी रेलवे विद इन नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जब भी कोई आइटम 2 साल से अधिक हो जाता है तो उसे हम सरप्लस आइटम कहते हैं, ठीक। अब सरप्लस में हम दो होता है, एक मूवेबल सरप्लस, एक डेड सरप्लस। मूवेबल में क्या होता है कि अगर 24 मंथ से अधिक तो हो गया है लेकिन फ्यूचर में इसकी अपेक्षा है कि ये यूज हो सकता है तो उसको हम मूवेबल सरप्लस कहते हैं, MES कह लीजिए। और दूसरा रहता है कि अगर वो 24 महीने से ज़्यादा हो गए प्लस फ्यूचर में भी उम्मीद नहीं है कि यूज किया जाएगा अगले 2 साल 3 साल, तो उसको हम डेड सरप्लस कहते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या कहते हैं, इनएक्टिव स्टोर, मूवेबल स्टोर, डेड स्टोर, ऑल ऑफ द एबव क्या है, यहाँ पर क्लियर है कि ये डेड स्टोर, ठीक है। अब आगे देखिए, एक्चुअल में यहाँ मूवेबल सरप्लस और डेट सरप्लस लिखते हैं, बट ठीक है, स्टोर लिखे हैं तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही जाना है। RSP प्रपोजल अंडर प्लान हेड 21 कैन बी सैंक्शनड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। रोलिंग स्टॉक प्रपोजल्स जो भी होते हैं ये जो है ये कहाँ सैंक्शन किए जाते हैं उसके बारे में ये पूछ रहा है। तो रोलिंग स्टॉक का प्रपोजल जो होता है ये केवल रेलवे बोर्ड से सैंक्शन होता है, ठीक है। MNP एंड वर्क्स तो लो लेवल पर भी हो जाता है, बट रोलिंग स्टॉक प्रपोजल लाइक दैट लोको खरीदना है, कोच खरीदना है, तो उसके लिए रेलवे बोर्ड से ही प्रपोजल होता है सैंक्शन। अब अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, न्यू वर्क्स एंड वर्क्स इन प्रोग्रेस ऑफ वर्क्स कास्टिंग मोर देन 2.5 करोड़ ईच अपीयर्स इन पिंक बुक। नहीं, न्यू एक्विजिशन एंड प्रोग्राम्ड डिलीवरी ऑफ MNP आइटम कास्टिंग लेस देन 2.5 करोड़ ईच अपीयर्स इन पिंक बुक। अगला है, न्यू एक्विजिशन एंड प्रोग्राम डिलीवरी ऑफ RSP आइटम्स ऑल कास्ट पिंक बुक, यानी पिंक बुक में क्या हो सकते हैं उसके बारे में कह रहा है कि कौन सा सही है कह रहा है। तो पिंक बुक में न्यू वर्क्स एंड वर्क्स इन प्रोग्रेस ऑफ वर्क कास्टिंग मोर देन 2.5 करोड़ ईच अपीयर, यही सही है, बाकी ये सब लेस देन और ये तो नहीं लग रहा है।
तो इसमें एकदम लगने की कोई बात नहीं, एकदम कंफर्म रहिए कि पिंक बुक में 2.5 करोड़ से ऊपर के जो भी प्रोग्रेस में है, न्यू वर्क है, वो दिखता है। अगला है डिटेल्ड डिमांड्स फॉर ग्रांट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे वेयर प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 अंडर विच डिमांड। देखिए, पहले जो हमारे डिमांड रहते थे वो तो अलग अलग उसमें पूछे जाते थे, लेकिन अब ये पूछ रहा है कि चूंकि 23-24 की बात कर रहा है, तो हमारा जो रेल बजट रहता था ये आम बजट में हो गया है, तो अब हमें रेल बजट संसद में किस मांग के अंतर्गत लिया जाता है, तो वो डिफाइन किया गया है बजट डिमांड नंबर 85। आप लोग इसको एकदम बिल्कुल नोट कर लीजिए, बहुत कंफर्म कर लीजिए। कई बार प्रश्न आता है कि जो अब आम बजट के बाद, चूंकि 23-24 कह दिया है, तो रेलवे बजट जो है ये ग्रांट के रूप में, डिमांड फॉर ग्रांट जो है 85 के तहत माना जाता है। अगला प्रश्न है आरएसपी आइटम्स आर प्रपोज्ड फॉर सेंक्शन अंडर विच प्लान हेड, रोलिंग स्टॉक प्लान। रोलिंग स्टॉक प्लान जो पहले वाले ही क्वेश्चन में था कि रोलिंग स्टॉक का प्रपोजल किस में डालते हैं, तो वहाँ लिखा था प्लान हेड 21। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप प्रश्न को बढ़िया ढंग से पढ़ेंगे तो आपके एक आक आंसर तो इसी में छिपे रहेंगे। तो आपको अगर यहाँ नहीं भी मालूम है कोई, तो इसके पहले क्वेश्चन में जो था रोलिंग स्टॉक प्रपोजल वाला, उसके आगे प्लान हेड 21 लिखा था, तो ये क्लियर हो गया कि 21 में, तो इसका आंसर हो गया 21 में। अब प्लान हेड 41 में क्या है ये भी जान लीजिए आप, EMNP रहता है। प्लान हेड 42 में क्या रहता है, वर्कशॉप का रहता है, PU वर्कशॉप के रहते हैं, तो ये भी आपके क्वेश्चंस तैयार हो गए। आगे देखिए, अंडर प्लान हेड 41 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजल था डील, तो अभी तो मैंने पहले ही बता दिया 41 यानी कौन सा रहेगा इसमें से, प्रपोजल रिलेटेड मशीनरी एंड प्लांट, तो ये हो गया। प्रपोजल रिलेटेड रोलिंग स्टॉक ये आपको पता हो गया कि 21 है। प्रपोजल रिलेटेड तो कोचिंग सिकलाइन, तो ये क्या है कोचिंग सिकलाइन, ठीक है चलिए कोई बात नहीं, ये दो जानिए आप, रोलिंग स्टॉक 21 और ये MNP का है। आगे देखिए, स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी आर डिस्क्राइब्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इंडियन रेलवे फाइनेंस कोड वॉल्यूम नंबर 1 इसी में डिफाइन किया गया है, तो इसमें डाउट नहीं करना है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कोड जो होता है वॉल्यूम नंबर 1 में ही फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी जो है स्टैंडर्ड्स दिया गया है। अगला प्रश्न है वर्क अंडर प्लान हेड 42 यानी PU वर्कशॉप के लिए जो रहता है, इसको कौन वर्क्स का प्रोग्राम, ये कौन DRM GM रेलवे बोर्ड आलाते, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो तीनों में कोई भी सेंक्शन कर सकते हैं, केवल रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम रेलवे बोर्ड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू जनरल फाइनेंशियल रूल, जो अकाउंट्स का सबसे बड़ा रूल है GFR, इसको कौन करता है, तो GFR देखने के बाद ही पता चलता है, फाइनेंस का चीज़ फाइनेंस ही करेगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा नहीं, GFR जो सैंक्शन होता है, GFR रूल, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखिए, एक्सपेंडिचर टूवर्ड्स रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट इज बुक्ड अंडर विच सब मेजर हेड, तो मैं आपको यहाँ पर, हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बजट के डिमांड्स बता दे रहे हैं, लाइक दैट जैसे जो इम्पॉर्टेंट है वो 4 नंबर आप नोट कर लीजिएगा, इसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ टोटल लिखना जो है नहीं हो पाता है, तो 4 नंबर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ पीवे वर्क्स, ठीक है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ पीवे वर्क्स ये होता है। फिर 5 नंबर जो होता है ये आपके लिए बढ़िया तैयार हो जाएगा, ये 5 नंबर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मोटिव पावर, मोटिव पावर यानी लोको की बात कर रहा है, मोटिव पावर की बात कर रहा है। 6 नंबर हो गया रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ CNW, तो ये आपको याद रहेंगे CNW। 7 नंबर जो होता है ये आ जाता है आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ है, यही जो दिया है प्लांट एंड इक्विपमेंट्स PNE जो दिया है, ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो आपका आंसर तो हो गया 7। अब आपको इसमें पता चल गया कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मोटिव एंड पावर 5 नंबर भी पता चल गया और 6 नंबर भी पता चल गया, ये CNW का है। 8 नंबर होता है, आप यहाँ नोट कर लीजिए कि ये क्या है, इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज आ जाता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज ऑफ द ट्रैफिक,
और 9 नंबर होता है ये ऑपरेटिंग, नहीं ये ट्रैफिक का होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज ऑफ ट्रैफिक, ये होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज ऑफ, यहाँ पर कर लीजिए थोड़ा, रोलिंग स्टॉक एंड इक्विपमेंट्स, ये जरूर कर लीजिए, रोलिंग स्टॉक एंड इक्विपमेंट्स, यानी ये सब तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के हैं, और यहाँ से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज ऑफ रोलिंग स्टॉक एंड इक्विपमेंट्स हो गया, 9 नंबर हो गया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज ऑफ ट्रैफिक, और 10 नंबर हो गया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज ऑफ फ्यूल्स, फ्यूल। अब आप इसको लिख, आपके को समझना बड़ा सरल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे डिमांड्स जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ये 10 नंबर है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इनको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा पढ़ते समय, तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, विच प्राइमरी यूनिट इज यूज्ड फॉर बुकिंग ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट अंडर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए, एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, दूसरा रिवेन्यू, रिवेन्यू में क्या है, पीयू की बात कर रहा है, तो पीयू में कॉन्ट्रेक्चुअल जो होता है वो 32 नंबर का रहता है, कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट के लिए, पेमेंट के लिए। और कभी कभी यहाँ पर पूछ लेता है स्टॉक आइटम और नॉन स्टॉक आइटम के लिए, तो इनका भी लिखना, ये 28 नंबर, 27 नंबर होता है और ये 28 नंबर होता है, जो पीयू नंबर जो होता है आपका, जैसे ये यहाँ पर पीयू ही पूछा है ना, प्राइमरी यूनिट 32 कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए, वैसे ये स्टॉक आइटम के लिए 27, नॉन स्टॉक आइटम के लिए 28। तो ये आपके 3-4 प्रश्न तैयार हो गए, और इसमें से ये डिमांड्स तैयार हो गए, 4 नंबर, 5 नंबर, 6, 7, 8, 9, 10 डिमांड्स, और आपका ये राइट आंसर 7। तो दोस्तों मैं ये बताऊंगा कि ये डिमांड्स फॉर ग्रांट्स जो है बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसका भी आंसर कुछ लोगों ने गलत ही बताया है, बट यहाँ जो मैं राइट आंसर बता रहा हूँ ये 7 नंबर पर सब हेड, मेजर हेड पूछ रहा है, तो उसमें है मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ठीक है। ये 32 है प्राइमरी यूनिट कॉन्ट्रेक्चुअल, स्टॉक का 27, नॉन स्टॉक का 28। आगे का प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न अंडर DCF टेक्निक रिक्वायर्ड फॉर वर्क्स प्रपोजल टू बिकम फाइनेंशियल एक्सेप्टेबल। फाइनेंशियल एक्सेप्टेबल के लिए आप रेट ऑफ रिटर्न जो माना गया है वो 10% है, तो यहाँ पर राइट आंसर है 10%। अगला प्रश्न है, व्हाट एक्शन कैन बी अपीलिएट अथॉरिटी टेक ऑन एन अपील अंडर DAR, डिसिप्लिनरी एंड अपील रूल के तहत ये पूछ रहा है कि अपीलिएट अथॉरिटी क्या एक्शन ले सकता है। तो आपको पता हो कि जब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कोई पेनल्टी इम्पोज कर देता है, तो उसके बाद जो है हम अपील कर सकते हैं, तो अपीलिएट अथॉरिटी क्या कर सकता है, जितना आपको पेनल्टी मिला है उसको कन्फर्म कर सकता है कि ठीक है। दूसरा है रिड्यूस द पेनल्टी, यानी जो पेनल्टी मिला है अगर अपीलिएट अथॉरिटी कन्फर्म होता है, एग्री होता है, तो उसको कम कर सकता है, तो ये भी सही है। प्रपोज टू इन्हेंस द पेनल्टी, अगर उसे महसूस होता है कि पेनल्टी कम है तो बढ़ा भी सकता है, तो यानी ऑल ऑफ द एबव सब इसमें से सही है अपीलिएट अथॉरिटी के लिए। आगे का प्रश्न देखिए, विच फार्म इज यूज टू रियोक द सस्पेंशन। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से फार्म है, SF5 मेजर पेनाल्टी के लिए होता है, SF1 जो होता है सस्पेंड करने के लिए होता है, SF11 आपका माइनर पेनाल्टी के लिए होता है, माइनर पेनाल्टी के लिए। तो रियोक करने के लिए सस्पेंड तो अगर हो गए SF1 से, तो सस्पेंशन रियोकेशन के लिए, सस्पेंशन रियोक करने के लिए SF4 इशू किया जाता है, जो कि इसमें नहीं है, तो नन ऑफ द दीज हो गया, ठीक है, आपको कंफर्म हो गया होगा, ठीक। अगला प्रश्न, अप टू हाउ मेनी टाइम्स ए रेलवे सर्वेंट कैन अवेल लीव इनकैशमेंट इन हिज इंटायर करियर अदर देन द रिटायरमेंट। इंटायर करियर में कितनी बार लीव इनकैशमेंट ले सकता है, तो इंटायर करियर में वो 6 बार ले सकता है, तो इसका भी डिटेल्स थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 10 दिन का लीव इनकैशमेंट ले सकता है, 2 ईयर के गैप में, 2 साल के गैप होना चाहिए, ठीक है। टोटल लीव पूछ लेता है, तो टोटल कई बार वो 10 दिन का लेता है, 6 बार लेगा, तो 6 × 10 इक्वल टू 60 डेज का लीव हो जाता है, तो और जब भी लीव अप्लाई करेगा तो उस समय उसके अकाउंट में 30 दिन का लीव रहना चाहिए बैलेंस। तो आपकी ये इससे संबंधित जो भी घुमा फिरा करके प्रश्न कर सकता है वो सब मैंने बता दिया लीव इनकैशमेंट के टर्म में। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टल डील्स विद द विड्रॉल ऑफ प्रोविडेंट फंड।
पीएफ को विड्रॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, एचआरएमएस होता है हमारे पास, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, एचआरएमएस का यूज करते हैं हम। वहाँ से पीएफ विड्रॉल का फॉर्म भर सकते हैं, पास ले सकते हैं, लीव ले सकते हैं, एपीआर भी अपना उसी एचआरएमएस में लॉगिन करके भरते हैं। तो वो हो गया एचआरएमएस। आरईएसएस बताया था, रेलवे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विसेज, जो आपका पीएफ देखने के लिए हो और पे स्लिप वगैरह देखने के लिए, तो उसमें दिया गया है ये। एआरपीएएन जो ये आपका एडवांस रेलवे पेंशन एक्सेस नेटवर्क, तो आप इसको भी जानिए। तो यहाँ आपका जो प्रश्न है उसका आंसर है ये चार में। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू विच रूल ऑफ द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966, रेलवे सर्वेंट सेल एट ऑल टाइम मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी। रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल में बार बार बताऊंगा कि आप लोगों को पूरा पढ़ लेना है और याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इंटीग्रिटी, एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी मेंटेन करना है। तो रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल जो 3 है वो तो जनरल है, 3/1.1 जो है ये आपका राइट आंसर है इंटीग्रिटी के लिए, ठीक है। और ये जो 2 है, 2 आपका जो होता है ये डिग्निटी के लिए रहता है, और 3/2 में इंटीग्रिटी एंड डिग्निटी के साथ में आपको आप कंट्रोल करना है आपके स्टाफ को। तो ये आप याद रखिए, इसमें मैंने तीनों को एक्सप्लेन कर दिया, बट यहाँ पर जो इंटीग्रिटी का ऑप्शन किया गया वो 3/1.1 जो है। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू IREC इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट कोड वॉल्यूम नंबर 2, रिव्यू ऑफ सर्विस ग्रुप ए एंड बी एम्प्लाई हुज इंटर सर्विस बिफोर 35 ईयर्स, जब भी बिफोर 35 ईयर्स के लिए रहता है तो उसका 50 साल बाद रिव्यू किया जाता है। तो यहाँ देखिए, आफ्टर अटेनिंग एज ऑफ 55 ईयर्स, 50 वर्ष की आयु होने के बाद, आफ्टर अटेनिंग एज ऑफ 45 ईयर, देखिए आप इसमें प्रश्न थोड़ा सा कहेंगे तो मैंने पहले ही बता दिया कि 50 इयर्स के बाद रिव्यू करते हैं, बट यहाँ पर आंसर देखिए इंग्लिश में 55 इयर्स दिया है और हिंदी में 50 इयर्स दिया है। बट अब चूंकि वहाँ पर आपको ये तो CBT एग्ज़ाम है तो यहाँ पर कुछ कर नहीं सकते हैं, तो आपको क्या करना है, इंग्लिश वर्जन ऑथेंटिक मानना है। जब भी ऐसी बात आ जाए, दुविधा आ जाए, तो हमेशा ये लिखा रहता है कि इंग्लिश वर्जन विल बी ऑथेंटिक। तो ये 55, तो इसलिए इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। अगर हिंदी पकड़ेंगे तो फिर 50 वर्ष हो गया, तब आंसर ये सही हो जाएगा। बट चूंकि हिंदी नहीं पकड़ना है तो यहाँ पर हम अगर इंग्लिश में पकड़ेंगे तो नन ऑफ दीज, हिंदी पकड़ेंगे तो ये 50 वर्ष जो है तो ये राइट आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेनाल्टी अंडर रूल 6DAR रूल। रूल 6 में माइनर पेनाल्टी दिया गया है, तो उसमें देखते हैं माइनर पेनाल्टी में कौन कौन सा है। तो सेंस्योर माइनर पेनाल्टी होता है, इसलिए इसका आंसर 1 हो गया। सस्पेंशन इज नॉट ए पेनाल्टी, ये कोटेशन लिखा रहता है, सस्पेंशन इज नॉट पेनाल्टी, वार्निंग भी नहीं है पेनाल्टी, तो ये दोनों तो नहीं है, तो इसमें से एक ही आंसर है कि सेंस्योर। व्हाट इज मैक्सिमम ड्यूटी आवर्स ऑफ द मिनिस्ट्रियल स्टाफ इन 1 वीक। देखिए ये मिनिस्ट्रियल स्टाफ के कंडीशन में क्या है, वैसे तो रोस्टर आवर्स होता है 48 आवर्स का मिनिस्ट्रियल स्टाफ का, बट अगर किसी बिग ऑर्गेनाइजेशन या मिनिस्ट्रियल स्टाफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज में कर रहे हैं तो उनके लिए 40 आवर्स जो है, तो यहाँ पर आंसर जो है 40 आवर्स जो कि वैलिड है, 40 आवर्स मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फोरम इज फॉर डिस्कशन बिटवीन रेलवे मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय मैटर्स ऑफ द कॉमन कंसर्न। कॉमन कंसर्न के लिए कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है या फोरम है जो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन और स्टाफ के लिए बनाया गया है। तो PNM हम जानते हैं, JCM भी है, पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट प्रेम, जिसे हम यहाँ PNM कहते हैं, और इसको हम JCM कहते हैं, और इसको हम प्रेम कहते हैं। ये तीनों जो है रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टाफ के लिए बनाया गया है, तो इसलिए इसका आंसर हुआ आलाते एपब। अगला देखिए, पैटर्निटी लीव इज एडमिसिबल फॉर ए मेल रेलवे सर्वेंट फॉर हाउ मेनी सर्वाइविंग चिल्ड्रेन। तो पैटर्निटी लीव जो दिया जाता है PL 15 डेज के लिए दिया जाता है, 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रेन के लिए दिया जाता है, तो ये आपका राइट आंसर हुआ 2। अब आगे देखते हैं, अब ये आपका पूरा 110 क्वेश्चन ख़त्म हुआ,
और जिसमें मैंने एक्सप्लेन करने के लिए भी काफ़ी ट्राई किया कि जो क्वेश्चंस जहाँ पर ज़रूरत था वहाँ पर मैंने बढ़िया ढंग से एक्सप्लेन किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपका जो जितने क्वेश्चन सॉल्व किए उससे जैसे मैंने बताया था 25 से 30% एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तैयार हो गए। और आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं आपसे ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियोज़ को जितने भी लोग अभी कंपटीशन दे रहे हैं उनको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों अगर ये चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको क्या है, जो मेरे आगामी वीडियोज़ रहेंगे ऑटोमेटिक आपके पास पहुंच जाएंगे, इन्फॉर्म हो जाएगा। और किसी भी तरह का फीडबैक देना है तो आप ये दिया हुआ नंबर है जिस पर आप फीडबैक दे सकते हैं, तो आपका फीडबैक सदैव जो है अपेक्षित रहेगा हमें। एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी स्वस्थ रहें। जय हिंद। धन्यवाद।